अमरूद की बागवानी हिसार सफेदा। अक्सर किसान मुझसे ये सवाल करते हैं कि इससे एक एकड़ में कितनी आमदनी हो सकती है। जो आजकल वीडियो बताते हैं कि इससे 10 लाख की आमदनी होती है, 5 लाख की आमदनी होती है, ये किसान इतना कमा रहा है और ये किसान इतना कमा रहा है, क्या है इसका सत्य? किसान साथियों, आज मैं अबूब शहर में एक किसान हैं कैप्टन महेंद्र सिंह, उनका ये फार्म है कीनू का और अमरूद का। अमरूद में विशेषतः उनके पास हिसार सफ़ेदा है और ये जो बाग आप देख रहे हैं ये 15x15 पर है और ये 4 एकड़ का इनका बाग है। इसमें इन्होंने कुछ साल पहले शिफ्ट किया है, एक दूसरा बाग है छोटा जो 3 एकड़ का बाग है। लेकिन इनसे जब मैंने पूछा कि आपने ये अमरूद की क्यों चुनी और आपको इनसे कितनी आमदनी होती है, आप सुनकर ताज्जुब हो जाएंगे और ये कहेंगे कि क्या अमरूद से इतनी आमदनी संभव है, और है तो किस प्रकार है। विनोद जी के जो मैंने एक वीडियो दिखाई आपको, विनोद जी के मित्र हैं ये, और ये रासायनिक का प्रयोग करते हैं। इन्होंने अभी तक इसमें कोई ऐसा ऑर्गेनिक या विशेष रूप से नहीं किया, अब सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करूं। तो आइए हम मिलते हैं कैप्टन महेंद्र सिंह जी से और उनसे जानते हैं कि उन्हें अमरूद की बागवानी क्यों पसंद आई और इससे कितनी आमदनी संभव है और इसमें क्या इंटरक्रॉपिंग के रूप में ये फसल लेते हैं। मिलते हैं कैप्टन महेंद्र सिंह जी से। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है अमेजिक किसान के यूट्यूब चैनल में। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि जो दर्शक देख रहे हैं आप कहां से हैं और कहां पर आपका ये बाग है। जी, मैं गांव अबू शहर का निवासी हूं और ये सिरसा ज़िला का लगभग आखिरी गांव है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों का बॉर्डर यहां पे लगता है। आप हमें पहले ये बताइए कि जब आपका माल्टा और कीनू का ये बाग है तो आपने अमरूद की बागवानी के बारे में क्यों सोचा? हमारे इस एरिया में बागवानी की खेती काफ़ी बड़े रूप में होती है और अब से पहले किन्नू और माल्टा ये दो ही वैरायटी ज़्यादा ही प्रचलन में थी, परंतु अभी मैंने इसकी शुरुआत अमरूद की खेती करके एक नया प्रजाति का बाग मैंने लगाने का विचार किया। तो उसमें कई अन्य प्रजातियों के बीच में से मुझे चुनाव करना था, तो जो अमरूद के लिए मुझे जानकारी उपलब्ध थी वो लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की जानकारी उपलब्ध थी, तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इस वैरायटी का चुनाव किया। अच्छा, ये वैरायटी जब आपने लगाई तो ये 15x15 पर ही क्यों लगाई, 20x20 या 10x10 या 12x12 पर क्यों नहीं लगाई आपने? जो 10x10 का मैंने एक दो लगाने से पहले फील्ड विजिट किए थे और मुझे लगा कि भी ये जो स्पेस है ये आगे भविष्य में कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने 15x15 का चुनाव किया। 15x15 में लगभग 200 पौधे एक एकड़ में आ जाते हैं, तो 200 पौधों का एक अच्छा संख्या है एक एकड़ के लिए, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। अच्छा, जब आपने ये 15x15 पर लगाया तो दो चीज़ें के बताइए, पहली ये कि आपने इनसे फसल कब लेनी शुरू करी, और दूसरी ये कि जब तक फसल ली ये पौधे मिल नहीं गए, लगभग जो इस अवस्था में नहीं आए, तब तक आपने जो इंटरक्रॉपिंग के रूप में फसल ली वो क्या ली? मैंने जो शुरुआती पहले 2 साल थे उसमें मैंने इसमें चने की फसल जो कि अक्टूबर में लगती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में पक के तैयार हो जाती है,
वो मैंने फसल इसमें ली। साथ ही मैंने बरसाती मौसम में कुछ बेल खेती भी इसमें उगाई। पर मेरा अब तजुर्बा यह है कि भी मुझे वो प्रैक्टिस बेल खेती की कम से कम नहीं करनी चाहिए थी, और उस खेती बेल खेती के करने से मुझे इसमें काफ़ी नुकसान रहे, यानी कि अनेक तरह की बीमारियां इसमें पैदा हुई। सर ये बताइए कि इतनी तीन बार फसल लेने के लिए आप खाद कितनी बार लगाते हैं? खाद भी हम इसमें दो बार मुख्यतः जो ज़मीन में हम डालते हैं, यानी कि सॉयल एप्लीकेशन, और जो फॉलियर एप्लीकेशन है वो 5 से 6 बार मैं लगाता हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए, मैं पिछली बार फरवरी में यहाँ पर आया था, तो जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, और उससे क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है उसमें अमरूद में? देखिए, जो आपकी मेरे फील्ड में पहली विज़िट थी पिछले साल फरवरी में, और उस समय आपने मुझे अनेकों बातें बताई, पर जो मुख्य बातें मेरे दिमाग में बैठी और जो जिनको मैं अपना प्रैक्टिसेस का जो बेस बनाता हूँ, सबसे पहले कटाई का वक्त, कटाई का तरीका, और जो फल हैं उनकी थिनिंग। तो इसमें कटाई का जो तरीका है वो तो मैं काफ़ी कुछ आपके निर्देश के मुताबिक कर पाया, पर जो मैं फ्रूट की थिनिंग है वो मैं नहीं कर पाया, पर अब मैं समझता हूँ कि भी मुझे वो आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पुराने सालों में जो मेरा तजर्बा रहा कि भी जो ग्रेडिंग मेरे फ्रूट की थी, यानी कि 65% जो मेरा फ्रूट था, अब से पिछले सालों में शुरू के 2 सालों में 65% मेरा 1 नंबर माल था और करीब 20% मेरा 2 नंबर और बाकी सब गोली या डैमेज्ड। किसान साथियों, जो कैप्टन साहब हैं, इनका एक बहुत अच्छा तरीका मैंने देखा है कि इनका जो मुंशी है जो सब ये काम देखता है, हर चीज़ इनके यहाँ रिकॉर्डेड है, कौन सी दवाई कब दी, कौन सा स्प्रे कब किया, कब करना है, कितना माल उतरा, कितने कब गए, कितने ग्रेड में गए, इस हर चीज़ का इनके पास में रिकॉर्ड है। और जो ये इसकी इकोनॉमिक्स बता रहे हैं वो सब ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप कभी आना चाहें तो इनका ये बाग है अबूब शहर में, आइए और किसी से भी कैप्टन साहब का बाग पूछिए तो आपको मिलेंगे, इनके मुंशी भी मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से आकर देख सकते हैं। हाँ, कुछ इनका आप देखिए, ये मैं पौधा दिखा रहा हूँ, बहुत नीचे तक है, तो मैंने बताया कि सर इसको बहुत नीचे तक मत रखिए इसमें, और फ्रूटिंग इतनी ज़बरदस्त है, जैसा मैं सुबह दिखा रहा था, मैंने कहा थोड़ा इसको थिनिंग करिए, इसकी वजह से अमरूद का साइज नहीं बन पाया, क्योंकि पौधे से बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में इस पर फ्रूटिंग है और इस समय इसका इतना साइज नहीं बन पाया जितना के बनना चाहिए। करीब 80 केजी के करीब मैंने एक पौधे से फ्रूट अभी लिया हुआ है। हाँ, ये कह रहे हैं कि इतना फ्रूट होते हुए भी, ये छोटा देखिए, आपको इतने भी होते हुए, ऐसा नहीं है कि ये है, कुछ बड़े भी हैं जो टूट चुके, आप देखिए एक बड़ा अमरूद भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए, तो वो टूट चुके हैं। तो इन्होंने जैसे बताया कि 40 से 45% जो है ना ए ग्रेड का आया, जो कि 65% होना चाहिए था, तो ये कह रहे हैं कि एक पौधे से 5वां साल है 80 किलो फ्रूट ये ले चुके हैं, उसके बाद इतना बचा हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये देखिए ये कितना, ये देखिए। तो मैं ये कहता था कि जैसे ये देखिए, ये एक छोटी सी है, यहाँ पर 4 अमरूद है, अगर इसको थिनिंग कर देंगे तो ये बहुत अच्छा ए ग्रेड का अमरूद मिलेगा, ये देखिए आप, ये 4 अमरूद है यहाँ पर, आप देखिए, ये देखिए एक छोटे से में देखिए कितने 4 लगे हैं, किस तरह से ये बढ़ जाएंगे, ये देखिए कितना फ्रूटिंग है इस इसके ऊपर। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की कमी रही, थोड़ी थिनिंग और थोड़ी सी इसकी थिनिंग, मतलब कल्लों की थिनिंग के पास इसकी थोड़ी थिनिंग हुई थी, कुछ की इन्होंने की थी, कुछ की नहीं की थी, जिनकी नहीं की वो तो बिल्कुल उन्हें नीचे चले गए और उनको सहारा देना पड़ा। किसान साथियों, ये थी कि 2 लाख तक की पर एकड़ आमदनी प्रतिशत, जब मैं आमदनी की बात करता हूँ
तो उसमें से मुझे कैप्टन साहब ने सब खर्चे निकाल कर बताए हैं प्रति एकड़ की। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका प्रबंधन किस प्रकार। अभी आपने कैप्टन महेंद्र सिंह जी से सुना कि ये 2 लाख पर एकड़ की आमदनी ले रहे हैं। आमदनी का अर्थ ये है कि इसमें से सब खर्चे निकाल कर इतनी इनकी नेट बचत है, जो कि मैं बहुत अच्छी बचत मानता हूँ। अभी तक मुझे कोई किसान ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझे इतनी आमदनी इसकी बताई हो। पिछली बार जब मैं आया था तो इन्होंने मुझे कहा था कि मैं 1.5 लाख तक पहुँच चुका, और अब मुझे बताइए कि इससे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैंने वही इनको थोड़ा बताया कि आप इस तरह से इसकी कटिंग कीजिए, इस तरह से खाद लगाइए, इस तरह से मैनेजमेंट करिए। तो 4 साल के पौधे से जो 15x15 पर है, 80 किलो ये ले चुके हैं और अभी भी इस पर काफ़ी फल बचा हुआ है। अगर आपका प्रबंधन सुव्यवस्थित हो, सही ढंग से हो, तो आप इतनी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें जो मुख्य बात है कि आपके इलाके में उस अमरूद की डिमांड है या नहीं है, क्या उतनी सप्लाई की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।